जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल से हम क्लास स्टडी में। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आएगा जिसके फॉर्म 24 नवंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या हम उसकी तैयारी अभी से करें? क्योंकि मैं एक फ्रेशर बच्चा हूं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो एसएससी जीडी के वो एग्जाम वो लास्ट फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास अभी मात्र 90 दिन का समय है, तो क्या 90 दिन में हम सिलेक्शन ले सकते हैं? तो मैं कहूँगा आप 90 दिन के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं जो जो आपको बता रहा हूँ, जैसा जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीक़े को फॉलो कर लेते तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी में हो जाएगा। तो आप लोग ये भी कमेंट करोगे कि एसएससी जीडी में हमारा इस बार सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, और एसएससी जीडी में हम पिछली बार रह गए थे कितने नंबर से, तो हम कितने नंबर की तैयारी करें जिससे हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ठीक है, जो एसएससी जीडी के पहले से तैयारी करें वो बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि आपके पास मात्र 90 दिन का समय है। इसी 90 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा सा पल आने वाला है। वो अच्छा सा पल जब भी आएगा जब आप मन लगा करके एसएससी जीडी की तैयारी करोगे और उसका एग्जाम क्रैक करोगे। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा आपको बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो फ्रेशर बच्चा है एसएससी जीडी का, जो अभी तैयारी करना चाहता है, अगर आज से तैयारी करता तो 90 दिन में उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मैं जो पॉइंट लिख के लाया हूँ उस पॉइंट को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, कितनी देर पढ़े यहाँ पर, ठीक है, कितनी देर पढ़े, किस सब्जेक्ट को कहाँ से तैयार करें। हम ये बताऊंगा कि आपको एसएससी जीडी के लिए कौन कौन से टीचरों को फॉलो करना है, उन्हीं टीचरों को बताऊंगा जिन टीचरों ने सबसे ज्यादा एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिया है इस बार। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क की तैयारी होनी चाहिए, क्या पढ़ाई के साथ साथ हम फिजिकल की भी तैयारी करें, तो कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा इस बार, तो इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। अगर ठीक है, आप जो जो भी मुझे जैसे बताने वाले अगर आप उसको फॉलो कर लें तो निश्चित ही आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई है अपना, तो प्यारे साथियों देखो, अभी तक अगर आपने इंटर किया होगा तो आपने तो कोचिंग तो कभी ना कभी ऑनलाइन पढ़ी होगी या ऑफलाइन पढ़ी होगी, कुछ तो पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना तो आज से जुट जाइएगा, और मेरे कहने पर आपने अगर कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं किया तो आप अभी ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे, ठीक है, ऑनलाइन अगर आप तैयारी करोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 90 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो क्योंकि ऑनलाइन वही छात्र पढ़ पाते हैं जिनका पहले से सिलेबस तैयार है, वो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं, और ऑफलाइन में अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आप जिस भी टीचर से पढ़ोगे ऑफलाइन वो आपको बताएगा, कुछ तरह से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, ऑफलाइन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में 2 से 3 घंटे की कोचिंग कराई जाती है, आप कहीं भी पढ़ना। ठीक है, और ऑनलाइन जैसे आप ऑफलाइन पढ़ करके आए, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया ऑफलाइन में वही टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, क्योंकि यूट्यूब पर भरमार है कंटेंट के। ठीक है, यूट्यूब पर आकर उस टॉपिक का सर्च करोगे, जो आपको कोचिंग प्रश्न कराए गए होंगे उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप उस टॉपिक के प्रश्नों को करना। ठीक है, जिससे आपका वो टॉपिक और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। ठीक है, आपको ये सोचना कि हमारे ज़िंदगी के ये 3 महीने इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी बना सकते हो और इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, कितनी देर पढ़ें, तो प्यारे साथियों अगर आप देखो तैयारी आपको 3 महीने में करनी है तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पहले तैयारी कर रखे होंगे तो आपको 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ाई करते ना तब भी आपका काम चल जाता, लेकिन अभी तक आपने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करी है तो आपको कम से कम 10 घंटे प्लस तो हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 10 घंटे अगर आप पढ़ लोगे, क्योंकि देखो 10 घंटे में 2 घंटे तो आपके कोचिंग के निकल जाएंगे, और 8 घंटे अगर आप घर पर आकर के बिल्कुल मन लगा करके तैयारी करोगे, ये नहीं कि पिताजी ने कह दिया माताजी ने कह दिया बेटा नो वैकेंसी आ गई तैयारी कर लो पढ़ाई कर लो, उनके कहने पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने मन से, क्योंकि अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी आपके पिताजी की पीढ़ी 2-3 पीढ़ियाँ सुधरने वाली हैं। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी आपके ज़िंदगी में अच्छे फल आएंगे, तभी आप अपने सपनों को अपने जो शौक होते हैं ना उनको पूरा कर पाओगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें, तो मैं कुछ टीचरों के नाम बता रहा हूँ यूट्यूब पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया, अगर आप उन टीचरों की क्लासों को भी फॉलो कर लेते हो ना तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उनकी लाइव क्लास मत देख पाना, अगर उनकी जो लाइव क्लास हो जाने के बाद ऑफलाइन हो जाती है, मतलब रिकॉर्ड फॉर्म में अपलोड हो जाती है क्लास, तो उसे आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं और 1.5 गुना स्पीड में भी देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप किस किस को फॉलो कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप रोजगार वेब पर अंकित सर पढ़ाते हैं,
अंकित सर पढ़ाते हैं रोजगार अंकित पर, ठीक है, जो अंकित के सीईओ फाउंडर हैं वो ही पढ़ाते हैं सर एसएसजीडी में हिंदी। और एग्जाम्पल पर आप पढ़ सकते हैं आपसे जिसे आप बोलते हैं भूटानी सर, ठीक है, हिंदी के लिए इन दोनों टीचरों को फॉलो कर सकते हो, दोनों लोग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप इन दोनों सरों को फॉलो कर सकते हैं। और जीके जीएस के लिए, वो जीके जीएस के लिए यूट्यूब पर एसएसजीडी में बेस्ट है नवीन सर, मेरे हिसाब से नवीन सर से मैंने अच्छा टीचर जीके जीएस में नहीं देखा है, तो जीके जीएस के लिए आप नवीन सर को फॉलो कर सकते हो। नवीन सर के साथ साथ आप एग्जाम्पल पर पढ़ाते हैं बिनीश सर एसएसजीडी, कौन बिनीश सर, तो आप वहाँ बिनीश सर को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसकी बात है मैथ, देखो मैथ मैथ रोजगार संकेत पर पढ़ा रहे हैं राहुल सर, कौन राहुल सर पढ़ा रहे हैं, राहुल सर, और एग्जामपुर पर पढ़ा रहे हैं विपुल सर, कौन विपुल सर पढ़ा रहे हैं, तो आंसर आप इन सर को फॉलो कर सकते हैं। देखो सभी की वीडियो देख लेना और जिसमें से आपको जोन टीचर बेस्ट लगे तो उसकी आप क्लास लेना, ये नहीं कि मैंने बता दिया राहुल सर क्लास भी ले लो और विपुल सर दोनों के ले लो, देखो अगर दोनों क्लास लोगे ना तो दोनों लोग बताने का तरीका अलग होगा, आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके मन में कन्फ्यूज हो जाएगी और आप अपने मार्ग से भटक जाओ, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल पर पढ़ाती है प्रीति ने, ठीक है, एग्जाम्पल पर प्रीति ने पढ़ाती है रीजनिंग, और रोजगार केंद्र का रीजनिंग पढ़ा रहे हैं संदीप सर एसएससीजीडी में, तो इन सरों को आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक, इनमें से आप सभी की वीडियो देख रहे हैं, जिसकी अगर आपको अच्छा लगता है समझ में, जिसका आपको बेहतरीन समझ में आता है उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। देखो सिलेक्शन के लिए कितने मार्क की तैयारी हुई, तो सिलेक्शन अगर आपको अमूल लेना है, ठीक है, अगर आप किसी भी टीचर के दिशा निर्देशन में फॉलो करते हैं चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, 4 से 5 महीने, ठीक है, 4 से 5 महीने में हर हाल में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखो टीचर भी आपके साथ साथ मेहनत करता है और साथ साथ टीचर की जो बताए तरीके होते हैं उसको आप फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 महीने की तैयारी हर हाल में होना चाहिए जब भी आप सिलेक्शन ले पाओगे, और आपको 3 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इससे आप ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने बता रखा है कि ऊपर कौन कौन सा आपको फॉलो करो, ऑफलाइन तैयारी करो, कितने घंटे पढ़ाई करो, क्या पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करें, हाँ देखो फिजिकल एसएससीजीडी का फिजिकल अच्छा होता है, ठीक है, तो आपको फिजिकल भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल में एसएससीजीडी में पिछली बार बहुत से लड़के फेल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दौड़ नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उनकी जो सांस फूलने लगी थी, ठीक है, तो यही आपको नहीं करना है, आपको अभी से थोड़ा थोड़ा रूटीन बनाते चलो जिससे अंत के समय तक आपको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि कितने नंबर का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जितने लोगों को भी आपने कट ऑफ की वीडियो देखी होगी, अगर आप तो फ्रेशर बच्चा हो आपको तो पता ही नहीं है कि आपने कितनी कट ऑफ गई थी, तो देखो आपको पता है कि एसएससीजीडी में 160 नंबर का आने वाला है, ठीक है, कितने का 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो 160 में से कम आपको 160 अगर आपको फाइनल एट तक जाना है तो कम से कम आपको 130 प्लस स्कोर तो हर हाल में करना ही होगा, ठीक है, इससे कम स्कोर का टारगेट बना करके मत चलो, अगर इतने का टारगेट बना के चलोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और आप कम का बना करके चलोगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो ठीक है, यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।